वीडियो बन जाएगा। ربنا اخرجنا من ظلمات الوهم واقربنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر لنا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع. पाकिस्तान जनाब मियां अब्दुशफूर साहब सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद जावेद कसूरी साहब जनाब मजहर रद्दावा साहब डॉक्टर मुश्ताक मंगट साहब दीगर कायदीन जमात इस्लामी और इस खूबसूरत मजलिस में शरीक इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों वाजिबुल एहतराम माओ बहन और बेटियों और हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पूरी कौम की तरफ से अलखिदमत फाउंडेशन के जमादारान को सदर को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज हम जिस प्रोग्राम में शरीक है और जिस इमारत का इफ्तिताह कर रहे हैं ये अलखिदमत फाउंडेशन का 12वां प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुझे मियां अब्दुशफूर साहब ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को गुजरांवाला के लोगों ने खुद मुकम्मल किया था, तो इस पर मैं शाबाश भी देता हूँ। रब करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की कावशों को कबूल फरमाए। यहाँ गुजरांवाला के दाना बीना और जहानदीदा लोग मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अब इस आगोश को आगे लेकर चलना है और इस पूरे इंतज़ाम को संभालना है। तो आप तमाम भाइयों से बहनों से मगरिब का वक़्त है, कुछ मुख्तसर बातें अर्ज करूँगा। पहली बात यह है कि इस्लाम ना भी खैरख्वाही का है और हमारा अकीदा है कि हम जो भी नीकी का काम करते हैं इंसान हमें देखे या ना देखे एक समीउन बसीर और एक लतीफुल खबीर अल्लाह ताला हमें देख रहा है और अल्लाह मेहरबान है और मेहरबानी का अंदाज़ा इससे कर ले कि एक आदमी जब तक बुराई ना कर ले अल्लाह ताला उसको बुराई करता हुआ और बुरों में उसका नाम शामिल नहीं करता है। लेकिन जब एक आदमी नीकी का इरादा कर लेता है बेशक वो नीकी न कर पाए अल्लाह ताला उस नीकी का पूरा सवाब उनके खाते में डालता है। तो अल्लाह चाहता है कि वो रास्ते खुल जाए, जिस रास्ते खुलने के बाद इंसान उस पर चलकर जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की तामीर का और पाकिस्तान की बुनियाद का
और पाकिस्तान के लिए तहरीक का बुनियादी मकसद यही था कि एक ऐसा मुल्क वजूद में आ जाए जो एक तरफ इस्लामी और नजरियाती हो और दूसरे तरफ दुनियाई लिहाज से भी हर वो सहूलत अवेलेबल हो इस मुल्क के शहरियों को कि हम इस मुल्क को एक इस्लामी और फलाही रियासत और हुकूमत की तौर पर सारी दुनिया के सामने एक मॉडल की तौर पर पेश करें। और ये पूरा तसव्वुर पाकिस्तान का, ये जोग्राफिया से बढ़कर एक नजरिए का तसव्वुर है और एक ऐसी रियासत का तसव्वुर है जहाँ नीकी करना आसान और बदी के रास्ते बंद हो, जहाँ रिश्ते हलाल कमाने के रास्ते खुले और हराम के रास्ते बंद हो, जहाँ नीकियों के हौसला अफजाई हो और मुनकरात को खत्म किया जाए, उसका रास्ता बंद किया जाए। इसी अजीम मकसद से खातिर लोगों ने कुर्बानियां दी, तवील जद्दोजहद और मुहिम चलाई। लेकिन 74 साल बाद जब हम जायजा लेते हैं तो हमारी कौम ने, हमारे आज के मुसलमान ने उस खून के साथ वफा नहीं की जो पाकिस्तान के लिए बहा था, उस जद्दोजहद के साथ वफा नहीं की जो पाकिस्तान के लिए की गई। और आज भी पाकिस्तान हर कोई एतराफ करता है कि हम एक फलाही रियासत नहीं बना सके, एक फलाही सोसाइटी नहीं बना सके। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह हमारे मुल्क में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग मुश्किल से दो चार हैं। और अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क में 51 लाख से ज़्यादा यतीम बच्चे मौजूद हैं, 45 लाख से ज़्यादा मज़दूर लोग मौजूद हैं। तो हमारे दीन में रियासत और हुकूमत का जो तसव्वुर है वो सिर्फ अमन व अमान रखने वाला नहीं, रियासत और हुकूमत का तसव्वुर एक माँ की तरह है, एक मेहरबान और शफीक बाप की तरह है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सुल्तान वलीयु मल्ला वलीय लहु, सुल्तान और हुकूमत वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो। तो एक इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होगी वो हर यतीम के वारिस हुकूमत होगी, वो हर मज़दूर की कफालत करने वाली हुकूमत होगी, वो हर कमजोर और मजबूर के साथ ताउन करने वाली हुकूमत होगी। लेकिन काश ये सारी चीज़ें हमारे तकरीरों में या हमारी किताबों में तो मौजूद है, अमली तौर पर हमें नज़र नहीं आता। मैं इसलिए समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत में ये खैर रखा है कि हर ज़माने में कुछ शख्सियात और कुछ लोग ऐसे उठते हैं जो हक की बात करते हैं, जो हक की हिफाजत करते हैं और जो अपने अमल से, अपने किरदार से हक की गवाही देते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जमात इस्लामी की सूरत में एक तहरीक मौजूद है, जमात इस्लामी की सूरत में एक दीनी और इंकलाबी तहरीक मौजूद है जो सिर्फ दूसरी सियासी जमातों की तरह एक पार्टी नहीं है बल्कि एक नजरियाती जमात है। फर्द की तैयारी, फर्द को तब्दील करना, उसकी सोच को तब्दील करना, उनके अखलाक और किरदार की तामीर करना और फिर आगे बढ़कर घरों के अंदर खानदानों को सही एक इस्लामी खानदान बनाना ताकि खानदान के अंदर हर इंसान महफूज रहे, माशरे का इस्लाह करना, आगे बढ़कर निज़ाम का इस्लाह करना और चलते चलते एक ऐसा पाकिस्तान बनाना जिसमें नीकी करना आसान और बदी के तमाम रास्ते बंद हो जाए, जिसमें इस्लाम पर चलना आसान हो, जिसमें रिश्ते हलाल कमाना आसान हो, जिसमें निकाह करना आसान हो, जिसमें हलाल इज्जत कमाना आसान हो। हम एक ऐसा वेलफेयर पाकिस्तान चाहते हैं। और ये जो तसव्वुर है कि इस्लाम का मतलब लोगों का हाथ काटना है और लोगों पर कोड़े बरसाना है, ये असल में मुखालिफीन का तसव्वुर है। कल मैं अपने उस्ताद से पूछ रहा था कि पूरे नबवी दौर में
कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ काटे गए तो दो चार से ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्लाह की हुदूद नाफिज हो, दीन का निजाम नाफिज हो, तो उसके नतीजे में लोगों की जान माल और इज्जत और आबरू महफूज रहती है। आज चारों तरफ बदअमनी है, इसलिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, एक एक जिले में 6,000 से लेकर 10,000 तक पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन फिर भी न घर महफूज, न घर के अंदर हमारे बेटियां और माएँ और बहनें महफूज, न स्कूल जाते हुए हमारे मासूम जैसे बच्चे महफूज, बल्कि हमारे जनाजे महफूज नहीं, हमारे मसाजिद महफूज नहीं है, हमारे चौक और चौराहे महफूज नहीं है। इसलिए कि अमन सिर्फ अल्लाह के दीन में है, और जब तक अल्लाह का दीन नाफिज ना हो तो अमन हमें नहीं मिल सकता। मेरे भाइयों, मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि जमात इस्लामी का बुनियादी मकसद एक ऐसी सोसाइटी और मुल्क और हुकूमत बनाना है जिसमें फर्द की हुक्मरानी ना हो, किसी खानदान की हुक्मरानी ना हो, अल्लाह की हाकमियत हो, कानून और अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो, और कोई भी फर्द माशरे में कानून से बलातर न हो, अदल और इंसाफ हो। जमात इस्लामी चाहती है कि एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जिसमें हर इंसान के लिए रिजक के दरवाजे खुल जाए, और जो खुद नहीं कमा सकता, उसकी सलाहियत नहीं है, फिर रियासत बाउंड है, हुकूमत बाउंड है कि उसके लिए रिज़्क हलाल का बंदोबस्त कर सके। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते पर से गुजर रहे थे, एक आदमी बाएं हाथ से काना खा रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको डांटा और पूछा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खा रहे? उसने अर्ज किया कि एक जंग में मेरा हाथ शहीद हो गया था, इसलिए मेरा हाथ ही नहीं है, दाएं हाथ ही नहीं है। वो रो पड़े उसके खातिर कि आपको खाना कौन कहलाता है, आपके लिए कपड़े कौन धोता है, आपके लिए बिस्तर कौन तैयार करता है, और फिर हुक्म दिया कि आपके मरने तक एक नौकर, एक गुलाम, एक खादिम आपके साथ होगा और रियासत और हुकूमत इसका एहतमाम करेगी। इसका मतलब यही है कि अगर एक आदमी माहूर है तो उसको सारी जिंदगी भीख नहीं मांगना है कि उसके बच्चे भी फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगेंगे तो उसका पेट भरेगा, नहीं, रियासत और हुकूमत जिम्मेदार है। मेरे भाइयों, लेकिन ये सोसाइटी तब बनेगी जब इस मुल्क में अल्लाह का दीन नाफिज हो। अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे कायद और मुर्शिद और बानी जमात इस्लामी ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाह के काम के लिए तंजीमात बनाई, तलबा में भी, मजदूरों में भी, उलमाए किराम में भी, डॉक्टर्स में भी, लेकिन उसी तरह बाद में जाकर जमात इस्लामी ने अलखिदमत फाउंडेशन के साथ एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका वाहिद मकसद यही है कि सियासत से बालातर होकर, मसलकों से बालातर होकर, नस्लों और लिसानी तासुबात से, हत्ता कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के तसव्वुर से बालातर होकर हर इंसान की खिदमत की जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र के साथ हम कह सकते हैं कि अलखिदमत फाउंडेशन का जो इमेज है इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, वो इंसानियत की खिदमत करने वाले एक तंजीम का इमेज है कि जो सिर्फ एक खास इलाके या नस्ल या रंग या पार्टी या सियासत से वाबस्ता लोगों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए। और गुज़श्ता लॉकडाउन के ज़माने में हमने देखा कि अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकारों ने इंसान तो किया, मरी और मारगला के पहाड़ों में जाकर भूखे जानवरों तक खुराक पहुंचाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार और मोहब्बत, उनकी खिदमत और ज़रूरियात पूरा करना अल्लाह को राज़ी करने का जरिया है। इस वक्त भी हमारे साथ कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन अलखिदमत फाउंडेशन 17,000 से ज़्यादा बच्चों की कफालत कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। जो काम हुकूमत नहीं कर सकी, वो काम अलखिदमत फाउंडेशन के कारकुनान कर रहे हैं। अब जाहिर बात है, इतने वसाइल कहाँ से आएंगे? एक घर में 6-7 अफराद होते हैं और उनकी कफालत एक
घर के सरपरा के लिए मुश्किल होता है, तो फिर आखिर 17,000 बच्चों की कपालत। मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह खिदमत फाउंडेशन के क़ियादत पर, उनके कारकुनान पर एतमाद करते हैं। दिन के रोशनी में भी और रात के अंधेरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं मेरा नाम भी जाहिर नहीं करे और वो आकर स्पॉन्सर करते हैं। तो यार वो आगोश का ये बहुत बड़ा सिलसिला इसलिए चल रहा है कि पाकिस्तान के लोग इनके साथ ताउन कर रहे हैं। और अब अलखत अलखिदमत फाउंडेशन एक इतमाद का और लोगों की मोहब्बतों का एक मरकज और महवर बन गया है। मैं जनाब मियां अब्दुल शकूर साहब, जो बहुत सलीके और तरीके के साथ इस पूरे कारवां को लीड कर रहा है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन ज़रूर आएगा कि 17,000 की बजाय पाकिस्तान में जितने भी यतीम बच्चे और बच्चियाँ हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उन सब की कफालत कर सकेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और माओ बहनों और बेटियों, आइए मिलकर अजम करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, ये हमारा हाल भी है, ये हमारा मुस्तकबिल भी है। और ये वो बच्चे हैं जिनके सर पे हाथ रखकर आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल सकते हैं। यही वो बच्चे हैं जिनसे मोहब्बत करके आप जन्नत में रफाकत नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर सकते हैं। ये जन्नत के दरवाजे हैं, ये जन्नत के खिड़कियां हैं। इन दरवाजों खिड़कियों को खोलने के लिए इस आगोश के सारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, स्पॉन्सर करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे बताया मियां अब्दुल शकूर साहब ने और मजर इकबाल बुलंदावा साहब ने कि किस तरह यहाँ के मुकामी गुजरांवाला के लोगों ने एक दूसरे से आगे बढ़कर आगोश के तामीर में हिस्सा लिया और फिर बच्चों को स्पॉन्सर किया। मेरे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आप ये काम जारी रखेंगे और एक यतीम के लिए रोटी कपड़े का इंतजाम, ये भी एक अहम काम है। लेकिन आगोश ने बहुत बड़ा काम ये किया कि जो बच्चे यहाँ पर आकर जेरे तालीम है, क्वालिटी की एजुकेशन उसके लिए यकीनी बनाया। और इन इदारों में पढ़ने वाले तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह मिट्रक के इम्तिहानात में शाइनिंग पोजीशन ली है और बड़े फखर के साथ वो अपने उस कामयाबी के साथ मौजूद है। मैंने पेशावर में देखा, मैंने कुहाट में देखा, मैंने धीर में देखा, मैंने अटक में देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन आगोश सेंटर में जितनी भी कारकुनान ने काम किया है, वो कारकुनान, हमारे वो कारकुनान अपने बच्चों की तरह इनसे प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह दिन और रात एक करके इन बच्चों की तरबियत में हिस्सा लेते हैं। मैं उन तमाम कारकुनान के लिए दुआगू हूँ और ये आप एक बहुत बड़ा और अजीम खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। इसका अजर हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन और आसमान का मालिक और खालिक कायनात इंशाअल्लाह दुनिया में भी इसका अजर देगा और आखिरत में भी जन्नत से आप सबको नवाजेगा। मैं एक बार फिर गुजरांवाला के लोगों का, डोनर्स का, स्पॉन्सर्स का, मावीनीन का और आप सब बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह कि गुजरांवाला में कायम आज का ये आगोश सेंटर पाकिस्तान में तमाम इदारों के लिए एक मॉडल बनेगा और एक बेहतरीन मिसाल बनेगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बस इतना ही।